good morning students how are you i hope you all are fine at your place uh, this is class 4 subject science you know that uh, we are going to start new chapter chapter number 6 chapter number 6 is digestion so this uh, today we will do part 1 of this chapter okay so uh, we will start from word meaning first okay so listen carefully students number 1 पी आर ओ वी आई डी ई प्रोवाइड प्रोवाइड मीन्स प्रदान करें एच ओ डब्ल्यू हाउ ई वी ई आर एवर हाउ एवर मीन्स हालांकि आर ई एस पी ओ एन एस आई बी एल ई रिस्पॉन्सिबल मींस जिम्मेदार ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज़ सी एच ई डब्लू आई एन जी चूइंग चूइंग मीन्स जबाने एस ए एल आई वी एसलाइवा मीन्स लार ए बी एस ओ आर बी एब्जॉर्ब मीन्स सोख लेना पी आर ई एस एन टी प्रेजेंट मीन्स मौजूद ओके एफ ए सी ई एस फेसिस मीन्स मल ए एन यू एस एन एस मीन्स मल द्वार एफ ओ आर एम ई डी फॉम्ड मीन्स का गठन ओके सो स्टूडेंट्स दिस इज चैप्टर सिक्स ओके चैप्टर सिक्स इज़ डाइजेशन डाइजेशन मीन्स क्या होता है हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसे हम बोलते हैं डाइजेशन ओके सो स्टूडेंट्स दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट इज पार्ट्स एंड स्टेजेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसके बारे में इसमें पढ़ेंगे पार्ट्स किसके पार्ट्स के बारे में और स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स और स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में तीत के बारे में एंड तूप डिके के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ओके आवर बॉडी नीड्स फूड टू प्रोवाइड इट विथ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले हमारी बॉडी को uh, किसकी ज़रूरत होती है फूड की ज़रूरत होती है फूड से ही हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी जिससे कि हम एनर्जी आती है हमारी बॉडी में फिर हम उससे क्या कर पाते हैं वर्क कर पाते हैं और प्ले कर पाते हैं तो हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है फूड फूड हमें क्या देता है एनर्जी देता है एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं वर्क अपना वर्क कर पाते हैं और प्ले कर पाते हैं ओके ओके नाउ सो so,

जो भी हमारे फूड में जिसे हम खाते हैं उसमें जो भी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है वो क्या होता है सबसे पहले क्या होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है ठीक है क्या होता है टूटता है और उसके बाद वो क्या जाता है दूसरे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ऑर्गन्स मीन क्या पार्ट्स और जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं ओके क्या करते हैं एब्जॉर्व करते हैं द बॉडीज डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस ये सारा काम जो डाइजेशन का काम होता है ठीक है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल कौन सा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर करता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब चीज़ को करने के लिए ओके नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स एंड स्टेज अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बार के पार्ट्स और स्टेजस के बारे में पढ़ेंगे ओके द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज डिफरेंट पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या हैं अलग अलग पार्ट्स हैं इन एक्ट्स इन डिफरेंट स्टेजस टू हेल्प द बॉडी डायजेस्ट फूड एंड एब्सार्व न्यूट्रंस अलग डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस आती हैं ठीक है ठीके? उसमें स्टेजेस जो होती हैं वो हेल्प करती हैं बॉडी को बॉडी के डा फूड में को डाइजेस्ट करने में और फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्व करने में क्या करती हैं हेल्प करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं ओके नेक्स्ट इज़ तीत एंड सलाइवा चूहीं फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है तीत एंड सलाइवा चूइंग ठीक है चूइंग इज़ द फर्स्ट फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डाइजेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है फर्स्ट स्टेज है तो वो क्या है चूइंग है चूइंग मीन्स चबाना ठीक है इनसाइड द माउथ तीत हेल्प अस टू च्यू फूड एंड ब्रे द बिग पीसेस ऑफ फूड इंटू स्मॉल पीसेस डेट आर ईजियर टू सोलो द सलाइवा सॉफ्ट एंड द फूड फर्दर अब हमारे माउथ के अंदर क्या चीज़ होती है तीत होते ओके तीत हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं हम जो भी खाना खाते हैं ठीक है उसको चबाने में हमारी क्या करते हैं हेल्प करते हैं हम बड़े बाइट लेते हैं तो वो बड़े बाइट को चबाते हैं हम तो वो क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है ठीक है जिससे कि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं फिर हमें उसे क्या होती है उसे निकलने में आसानी होती है और हमारे मुंह के अंदर क्या होता है सलाइवा सलाइवा यानी कि हमारे मुंह के अंदर लार यानी जो पानी निकलता है उसमें क्या होता है फूड जो भी हम खाते हैं उसमें मिक्स हो जाता है इससे फूड क्या हो जाता है सॉफ्ट बन जाता है ओके okay? इससे फिर हमें क्या उसको निकलने में आसानी होती है ठीक है नेक्स्ट इज टंग एंड फूड पाइप सोलोइंग अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे टंग के बारे में फूड पाइप के बारे में और सोलोइंग यानी टंग हमारी किस तरीके से हेल्प करता है डाइजेशन में और फूड पाइप किस तरीके से हेल्प करता है ओके द हेल्प्स टू पुश फूड इंटू द बैक ऑफ आवर थ्रोट टंग किस में हेल्प करता है किसको पुश करती हमारी टंग फूड को जो हम फूड खाते हैं उसको क्या करती है हमारे गले में पुश करती गले में जाने के लिए धक्का देती है ठीक है स्पेशल थ्रोट मसल्स फोर्स द फूड डाउन इंटू द फूड पाइप और ओसो फर्गस डैट लीड्स इट टू द स्टमक अब हमारी जो गले की जो थ्रोट मीन्स क्या होता है गला ठीक है गले की जो स्पेशल मसल्स होती हैं ठीक वो क्या करती हैं फोर्स करती कि उसको फोर्स करती फूड को फोर्स करती कहाँ भेजती हैं फूड को फूड पाइप में पुश करती हूँ उसके अंदर भेजती फूड पुश से हम फूड पाइप भी बोलते हैं या फिर हम उसे ओसोफोग भी बोलते हैं ओके फूड पाइप और ओसोफोग एक ही चीज़ है और फिर वो उस फूड पाइप के थ्रू कहाँ पर जाता है फूड हमारे स्टमक में जाता है ओके नेक्स्ट इज स्टमक फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ओके फूड स्टेज इन द इन द स्टमक फॉर अराउंड फोर आवर्स फूड जो हम खाते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर कितने घंटों तक रहता है चार घंटों तक रहता है ओके द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्टमक कंटिन्यू ब्रेकिंग डाउन द फूड इंटू सब्सटेंस सच एज प्रोटीन डैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज ओके हमारी बॉडी के हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स uh, प्रेजेंट है वो क्या करते हैं कंटिन्यू फूड को क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जैसे कि uh, कौन से सब्सटेंस में तो जैसे कि प्रोटीन निकाला उसमें से है ना और ये क्या करती है प्रोटीन डेट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब प्रोटीन को क्या करती है बॉडी एब्जॉर्व करती है और उसका यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेंस्टाइन एब्जॉर्बशन ऑफ न्यूट्रियस अब स्मॉल इंटेस्टाइन की के बारे आ गई ओके द स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क्स विथ जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रेज टू फर्दर ब्रेक डाउन फूड ओके हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लीवर होता है लीवर और पैनक्रेज है वो क्या करते हैं किसे जो जूस निकलता है उसके साथ आ, क्या करते हैं आगे टूटने वाले भोजन ये जो है यानी कि फूड के लिए काम करती है जो फूड आगे टूटता है ना उसके लिए काम करती है कौन कौन स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर एंड पैनक्रेस ये ठीक है ऑल्सो इट इज़ हियर दैट द फूड गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू आवर बॉडी थ्रू द ब्लड यहाँ पर ये भी है कि जो फूड होता है ठीक है वो क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं ठीक स्मॉल इंटेंसटाइनस की क्या होती हैं वॉल्स होती हैं और हमारे बॉडी के जो ब्लड होता है ठीक है उसके थ्रू क्या होता है वो सारा क्या एब्जॉर्व किया जाता है ठीक है क्या किया जाता है एब्ज़ॉर्व किया जाता है, है? है फूड को ओके okay, जो स्मॉल uh, इंटेंस्टाइन की वॉल होती हैं और ब्लड होता है उसके थ्रू फूड को क्या किया जाता है एब्जॉर्ब किया जाता है द लीवर एंड पैनक्रीज वर्क हैंड इन हैंड विथ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब ये लीवर पैनक्रीज और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं ओके okay? द लीवर प्रोवाइड्स बाइल स्टोर इन द ग ब्लैडर लीवर क्या प्रोवाइड करता है बाइल को प्रोवाइड करता है जो कि कहाँ पर स्टोर होता है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है विच हेल्प्स हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट इंटू स्मॉल बिट्स जो कि किस में हेल्प करता है फैट को, uh, को, को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ठीक है किसको तोड़ता है फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है द पैनक्रीज प्रोवाइड्स एन एनजाइम्स टू डाइजेस्ट ऑल शॉर्ट्स ऑफ फूड जो पैनक्रीज क्या प्रोवाइड करता है एनजाइम्स प्रोवाइड करता है जिससे कि फूड जो है जिस भी प्रकार का फूड है वो क्या हो सके डायजेस्ट हो सके ओके द लीवर ऑल्सो प्रोसेस द डायजेस्ट फूड बिफोर इट इज़ सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लीवर क्या करता है आ, जो आ, तो वेरियस पार्ट होते हैं ना दूसरे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी को वहाँ पर आ, जो पचा हुआ मतलब जो डाइजेस्ट फूड होता है ठीक है जो डाइजेस्ट फूड होता है उसे भेजने से पहले वो क्या करता है दूसरे पार्ट्स में भेजने से पहले उसको प्रोसेस करता है यानी कि संशोधित करता है ठीक है लीवर क्या करता है डाइजेस्ट फूड बिफोर डाइजेस्ट फूड को दूसरे पार्ट में भेजने से पहले क्या करता है लीवर उस फूड को प्रोसेस करता है यानी कि संशोधित करता है ओके नाउ लार्ज इंटेस्टाइन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट ओके एनी फूड डेट द बॉडी डजन नीड और कांट यूज़ इट सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन अब बॉडी को जिस फूड की ज़रूरत नहीं होती जिसका कोई यूज नहीं होता है वो कहाँ पर भेज दिया जाता है लार्ज इंटेंसटाइन में भेज दिया जाता है ओके हेयर वाटर फ्रॉम द फूड गेट्स एब्जॉर्व ठीक है फूड में जो वॉटर होता है उसे क्या कर लेते हैं एब्जॉर्व कर लिया जाता है ठीक है सूख लेती है बॉडी एंड वेस्ट कॉल्ड फेसेस इज़ फॉर्म और जो वेस्ट होता है वो क्या उसे क्या बोलते हैं हम फेसेस का रूप ले लेता है द वेस्ट लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस और वेस्ट कहाँ से हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकलता है एनस के थ्रू बाहर निकलता है ओके अब ये क्या फिगर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक है ये यहाँ पर हमारा माउथ होता है सबसे पहले हम खाना किस में डालते हैं हमारे माउथ में तीत क्या करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तोड़ने के बाद क्या होता है हमारे हम जो गले में आता है फूड ठीक है उसके बाद वो फूड पाइप में आ जाता है खाना फूड पाइप में आ जाने के बाद वो कहाँ आ जाता है स्टमक में ओके स्टमक में वो और स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है ओके उसके बाद वो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है ये जो अंदर वाला पार्ट है ना ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन है ओके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं जो भी फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं होते हैं वो उसे क्या करता है एब्जॉर्व करता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भेजता है ओके okay? फिर उसमें से जो वेस्ट बच जाता है वो कहाँ पहुँच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन ओके लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है जो उसमें जो वाटर होता है फूड का जो वाटर होता है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद एनस के थ्रू क्या होता है बाहर निकल जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स